मैंने कभी सोचा भी नहीं था भविष्य में कि राहुल सर इतनी छोटी सी दुकान में आएंगे। हमने कभी कल्पना ही नहीं की इतने बड़े नेता के हम बनाएंगे। अभी भी ऐसा लग रहा हमने कोई सपना देखा है। हमारे बाल कटिंग का 30 रुपए हुआ था और दाढ़ी का 20 रुपए 50 रुपए हुआ था। हमारी 28 साल उम्र हो गई, तब से बचपन से उनको जानते हैं क्योंकि रायबरेली तो कांग्रेस का ही है गढ़। अच्छा, जाते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे, कुछ कहा आपसे? नहीं, कुछ नहीं कहा है। वही एक कार्ड था, वो कोई दो हमारे तीन कारीगर, हमारा साला है और ये है, तीन लोग को एक एक कार्ड दिए थे। इस समय देश में लोकसभा चुनाव का शोर जोरों पर है और सबसे ज्यादा अगर किसी सीट की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट, जहां से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इस बार मैदान में हैं। और इस वक्त रायबरेली राहुल गांधी को लेकर तो चर्चा में बनी हुई है, लेकिन साथ ही साथ एक और किसी बात को लेकर चर्चा में हुई है। दरअसल लोकसभा में जो नेता चुनाव लड़ रहे हैं वो अपने अनोखे अंदाज के लिए इस समय सुर्खियों में रहते हैं। ऐसा ही कुछ अंदाज राहुल गांधी का देखने को मिला जब वो कल अपनी एक रैली में, यहाँ पर रायबरेली में बैसवारा इंटर कॉलेज है, लालगंज का इलाका है, वहाँ पर पहुँचे हुए थे। और उन्होंने यहीं से जब वो गुजर रहे थे तो एक छोटी सी, ये जो मेरे पीछे आप एक सैलून आप छोटा सा देख रहे हैं, बार्बर शॉप देख रहे हैं, यहीं पर राहुल गांधी कुछ देर के लिए रुके और उन्होंने इस दुकान के जो मालिक हैं मिथुन कुमार, उनसे बाकायदा बात की और उनके हाथों से अपनी जो दाढ़ी है उसको बनवाया। इस वक्त हम ये न्यू मुंबा देवी हेयर कटिंग सैलून पर मौजूद है और हमारे साथ जो यहाँ के प्रोपराइटर हैं मिथुन कुमार, वो पहुँचे हैं। मिथुन से हम बात करते हैं और पूरा समझते हैं कि राहुल गांधी आखिर इनके पास आए तो इनसे उन्होंने क्या बात की। मिथुन, सबसे पहले आपका स्वागत है। जी सर। मिथुन, ये बताइए कि अचानक से राहुल गांधी आपके पास आए, आपको यकीन हुआ? अरे सर जी, हमें यकीन नहीं हुआ, अचानक आए। हम एकदम ऐसा लगा कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था भविष्य में कि राहुल सर इतनी छोटी सी दुकान में आएंगे। हमने कभी कल्पना ही नहीं की इतने बड़े नेता के हम बनाएंगे। वो आए तो डायरेक्ट उधर आए, हम तो एकदम अचंभव हो गए कि सब लोग बोले राहुल गांधी पे। हम गए, उनसे हाथ मिलाए, कोई मिलाए, फिर आगे बोले मेरी दाढ़ी कराना है। हमने बोला सर जी हो जाएगी दाढ़ी, बोले बैठे वही सीट में, लास्ट वाली में बैठे। अच्छा, वो हाँ लास्ट वाली में बैठे तो बोलने लगे कि हमारी दाढ़ी बड़ी है, आप कैसा काटोगे जो हमारे फेस पे अच्छी लगे। हमने बोला कि सर जी इसको दाढ़ी आप, आपकी दाढ़ी कहीं कितने नंबर तक होगी? हम कहें 5 नंबर तक होगी। तो बोले इसको कितना करोगे तो अच्छा लगे? हम बोले 1 नंबर कर देते हैं। तो बोले जैसा फेस पे लगे अच्छा वैसा आप बना दो। तो हमने उनकी दाढ़ी बनाई और बातचीत करने लगे। बोले आप कहाँ रहते हो? हम कहें हमारा गाँव सरेनी है। सरेनी का सीखे कहाँ? बोले सरेनी में सीखे और फिर मुंबई चले गए। मुंबई जाने के बाद वहाँ से कोरोना के टाइम पे हम लालगंज शिफ्ट हो गए, वापस आ गए थे लालगंज में। हनुमान मंदिर है, उसके पीछे सोनालका एजेंसी है, उधर ही हमारे सैलून थे। फिर उधर से 21 में यहाँ लाए, 20 में उधर खोले थे, 1 साल उधर चले, फिर इधर लाए, तो उधर से अभी इधर ही है दुकान। अच्छा, अचानक राहुल गांधी जब आए जी तो उन्होंने आपसे क्या बात की, उन्होंने क्या पूछा? कितनी उम्र है मिथुन आपकी? सर जी हमारी उम्र इतने समय 28 साल है। 28 साल है, तो क्या बात हुई मिथुन आपसे चुनाव को लेकर? उन्होंने कोई बात की, दाढ़ी बनवाया? भाई वो तो बहुत बड़े नेता है, जी, जी, आपके दुकान पर मेरे ख्याल से इतना बड़ा नेता इससे पहले कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। क्या क्या बात हुई आप? हमारे पास आए, यही सब बोलने लगे कि कैसे आप, आपका व्यापार मतलब धंधा पानी कैसा है, ये सब पूछने लगे। हमने बोला आप कितना कमा लेते हो? हमने बोला वही दिन में 400-500 रुपए, संडे दिन 1000-1500-2000 भी हो जाता है। और बोले और आपके घर में कैसे सब लोग? हमने बोले पिताजी हमारे बेहटा कला में बैंक में प्यून है। अच्छा, अच्छा। और भाई हमारे मुंबई में है। कहीं आप सीखे हो किससे हो? हमने मेरे बड़े भाई हैं उन्हीं से सीखे हैं मुंबई में। अच्छा, राहुल गांधी को आप कितना जानते हैं मिथुन? सर जी हमारी 28 साल उम्र हो गई, तब से बचपन से उनको जानते हैं क्योंकि वो कांग्रेस रायबरेली तो कांग्रेस का ही है गढ़, उनको हम लोग बचपन से भी देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्याल से रायबरेली तो बहुत कम आते होंगे, आप पहली बार उनसे रूबरू हुए होंगे, इससे पहले कभी मिले थे? ऐसे मिले नहीं, आए हैं सरेनी में, आए देखे हैं, बस से गए हैं। हम जब भी छोटे थे इधर थे, हम लोग नीचे एकदम सब हाथ वगैरह सब। तो कैसी दाढ़ी बनवाया, कितने नंबर का आपने मशीन लगवाई? जी हम 1 नंबर लगाए दाढ़ी। अच्छा। हाँ 1 नंबर लगाए, 1 नंबर के बाद बोले ब्लेड कौन सी लगाते हो? हमने बोला एक आरके है और जिलेक्ट है। तो बोले जैसी जो आपकी इच्छा हो लगा दो। और लाइट भी चली गई थी इन टाइम पे। अच्छा, लाइट भी चली गई और
और इन्वर्टर भी हमारा चार्ज नहीं था क्योंकि कल सारा दिन लाइट नहीं थी। थोड़ी नाराज नहीं हुए? नहीं नहीं नाराज नहीं, वो बोले जैसे कहीं बनाओ, उंजेला भी था, बहुत भीड़ भी लग गई थी तो सब लोग भीड़ को थोड़ा साइड किया गया और बैठे, बोले आप जैसा डरो मत, अपने हिसाब से बनो, जैसे सबके बनाते हो वैसे ही बनाओ। तो फिर उनका बनाया, बहुत अच्छा स्वभाव है। अच्छा, जब आदमी इतना बड़ा कोई नेता या कोई सेलिब्रिटी आ जाती है, थोड़ा आदमी नर्वस हो जाता है, आप नर्वस नहीं हुए? अरे सर जी बहुत, अभी आपसे बता ले सकते हैं, हमने अभी भी ऐसा लग रहा है हमने कोई सपना देखा है। अच्छा जी, अच्छा। ऐसा लग रहा है हम कोई सपना देखे हैं। तो कितनी देर में आपने उनकी दाढ़ी को बना दिया? आधा घंटा लगा। आधा घंटा लगा? जी, जी, तो उनकी सिक्योरिटी सुरक्षा कर्मी कुछ उन्होंने नहीं बोला? नहीं नहीं नहीं, वो क्योंकि हम उनके साथ मतलब हम उनके काम कर रहे थे ना, तो हमारे बगल में उनके कोई सिक्योरिटी, सब बाहर थे। अच्छा, इधर थे? इधर। अच्छा। हाँ, थोड़ा दूर थे, मुश्किल का 5-6 मीटर दूर थे। तो पैसा दिया कुछ उन्होंने? जी पैसा। कितना दिया? हमारे बाल कटिंग का 30 रुपए हुआ था और दाढ़ी का 20-50 रुपए हुआ था, लेकिन हमारा काम अच्छा देख के तो 500 रुपए दिए। 500 रुपए जी। अच्छा, राहुल गांधी को आप सुनते होंगे? हाँ, हाँ, हाँ। इस समय प्रचार खूब चल रहा है, जोर शोर से चल रहा है, राहुल गांधी रायबरेली चुनाव लड़ रहे हैं, तो राहुल गांधी की जो सोच है, जो वादे हैं, उनको लेकर एक नौजवान होने की, आपकी उम्र भी मैंने इसलिए पूछी थी, जी, जी, क्या आप उनकी सोच से इत्तेफाक रखते हैं? सोच तो सर जी उनकी अच्छी है, और क्या, सोच अच्छी है। अच्छा, और नेता भी जय बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, जो हमारे देश और जो कार्य, जो सब लड़के लोग दौड़ रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, इनके लिए अच्छा हो, वही नेता हो, जी राहुल हो या मोदी हो, योगी, कोई भी। अच्छा, नेता बस सबके हित में काम करें। हित में काम करो, सबकी सुने, जैसे राहुल सर सबके बीच में जाते हैं, सब लोग ऐसे ही हैं। अच्छा, ये दुकान आपकी कब से है और आपका सफर, आपने कैसे कहाँ कहाँ काम किया? सर जी हम गाँव हमारा सरेनी के पास बरदरा गाँव है, बरदरा गाँव है, वहीं हम अपन एक गांव था वहीं से दुर्गा खेड़ा गांव, वहीं जाके किसानी में करते थे, फिर सरेनी चले गए। सरेनी में एक हमारे बड़े पापा के लड़के हैं, विकलांग हैं, उन्हीं ने सिखाया, फिर हमारे बड़े भाई, हमारे सगे, वो मुंबई लेके चले गए 2006 में लेके चले गए, 6 से फिर 20 तक वहीं थे। आपका पुश्तैनी काम नहीं है? नहीं नहीं जी जी, पुश्तैनी, पुश्तैनी। हाँ, हमारे बाप दादा वही तो बोले किसानी। अच्छा। था और दुर्गा खेड़ा, वही हम लोग पूरे बाप दादा किए, हमारी खेती वेती कुछ नहीं है। अच्छा जी, तो राहुल गांधी जब यहाँ से गए, हाँ, हाँ। तो आप तो एक सेलिब्रिटी बन गए होंगे क्षेत्र में। जी, जी, कौन कौन आया फिर, लोग आए आपसे मिले पूछे? अरे जी, ये लालगंज के हमारे दोस्त हो गए, जो हमारे क्लाइंट हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, वो सब लगाए इधर, अपना कुमड़ौरा के उधर भी आए काफी लोग, बोले कि बहुत खुशी की बात है जो आपके पास इतने बड़े आए। फोन उन खूब आ रहे होंगे? फोन तो रात 3 बजे हमने फोन बंद कर लिया, इतने फोन आने, इतने फोन आए, क्या मालूम किधर से नंबर पा गए। नंबर तो देखिए हमें भी आपका मिल गया, हम भी बहुत दूर से खोजते हो आपको, यहाँ आ गए, बहुत फिर फोन बंद करना पड़ा और कुछ नहीं। अच्छा, जाते हुए राहुल गांधी ने क्या कहा आपसे, कुछ कहा आपसे? नहीं नहीं, खास ऐसा नहीं, कुछ नहीं कहा है, वही एक कार्ड था, वो कोई दो, हमारे 3 कारीगर, हमारा साला है और ये है, 3 लोग को एक एक कार्ड दिए थे, कौन सा कार्ड है, बड़ा सा। अच्छा, ये कार्ड आपको दिए? जी जी जी, ये अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं, ये कांग्रेस गारंटी कार्ड है, इसमें जो उनका मैनिफेस्टो है, जिसके आधार पर जो उनके वादे हैं वो इसमें लिखा है, 1 लाख वेतन देने की बात की गई है, कर्ज माफ़ी की बात की गई है, हिस्सेदारी की बात की गई, महिलाओं को नारी न्याय की बात की गई और श्रमिक न्याय की बात की गई। तो एक तरह से ये एक फॉर्म है, नीचे नाम पता भी लिखने के लिए दिया गया है, तो साथ ही साथ जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जो उनके वादे थे इसको लेकर सारी बातें कही गई हैं, तो ये कार्ड आपको सबको दिया है। जी जी। अच्छा, इनमें जो है इसको आपने पढ़ा है? हाँ पढ़े। कुछ इत्तेफाक रखते हैं, क्या लगता है कि ये सब वादे पूरे होंगे या नेता है वादे करके चले जाते? नहीं नहीं सर जी, ऐसा कुछ नहीं, हम ये सब बारे में नहीं कहते, लेकिन होगा तो करेंगे, उनकी सरकार आएगी तो अपना करेंगे। कैसी सरकार चाहते हैं मिथुन आप? सर जी देखो, ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हमारे देश के हित में करेंगे तो सब हमें चाहिए। अच्छा, ऐसे ही नेता चाहिए जो एकदम सबके बीच में रहे, सबकी बात सुने। इस बार कौन जीत रहा रायबरेली से? अभी अभी इसमें तो किसी को अब कह नहीं सकते। अच्छा, हाँ, जो कभी दिनेश प्रताप सिंह से मुलाकात हुई है? नहीं कभी उनसे नहीं हुई है, वो तो लोकल है ना, ऐसे नाम सुने लेकिन कभी हुई नहीं। अच्छा। हम तो इधर अपना सैलून चलाते हैं, जो आए भी होंगे तो हम पहचानते भी नहीं। चलिए ठीक है, तो चलिए, ये मिथुन कुमार थे, आपने इनसे सुना। फिलहाल राहुल गांधी के इनकी दुकान में आने के बाद इन्होंने जिस तरह से उनकी दाढ़ी सेट की, इनसे उन्होंने बात की, उसके बाद से क्षेत्र में, यानी लालगंज का जो ये क्षेत्र है, ब्रजेंद्र नगर इलाका है,
यहाँ पर मिथुन कुमार एक सेलिब्रिटी बन गए हैं, तमाम लोग इनसे मिलने आ रहे हैं, मीडिया कर्मियों की लंबी लंबी कतारें हैं, और हम भी इनका नंबर पाके इनसे मिलने चले आए और फिलहाल राहुल गांधी के काम से बेहद खुश हुए। लेकिन इनका भी यही मानना है कि सरकार किसी की भी आए लेकिन युवाओं के हित में काम करे, देश के हित में काम करे, और फिलहाल मिथुन कुमार यहाँ पर अपना काम जिस तरह रोज़मर्रा की तरह करते थे आज कर रहे हैं। लेकिन कल और आज में अंतर इतना है कि मिथुन कुमार एक सेलिब्रिटी बन गए हैं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें।